हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत का राफेल फाइटर जेट वर्सेस पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट और देखेंगे कि कौन किससे ज़्यादा बेहतर है। भारत का राफेल फाइटर जेट बेहतर है या फिर पाकिस्तान का F-16 जेट बेहतर है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। भारत का राफेल जेट फ्रांस में बने ट्विन इंजिन कैंड्रोन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान का F-16 एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल फाइटर जेट को डेसल्ट एविएशन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, वहीं F-16 को जनरल डायनामिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। राफेल फाइटर जेट को उड़ाने के लिए दो पायलट की जरूरत पड़ती है। F-16 फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है। राफेल की कुल लंबाई 15.27 मीटर तक होता है, वहीं F-16 की कुल लंबाई 15.6 मीटर तक होता है। राफेल की मैक्सिमम टेक ओवर वेट 26,000 केजी है, वहीं F-16 की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 19,000 केजी। राफेल फाइटर जेट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1,912 किलोमीटर है। F-16 जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2,121 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल फाइटर जेट की जो फ्यूल की कैपेसिटी है वो 4,700 केजी तक है। F-16 की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 3,200 केजी तक है। राफेल फाइटर जेट की जो कॉम्बैट रेंज है वो 1,850 किलोमीटर की है। F-16 जेट की जो कॉम्बैट रेंज है वो 546 किलोमीटर है। राफेल फाइटर जेट 51,952 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है, वहीं F-16 अधिकतम 45,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था भारत का राफेल फाइटर जेट और पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट के बीच में छोटी सी कंपैरिजन। इनमें से कौन बेहतर है आप कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।